मॉनिटर की। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है डिस्काउंट ऑफर में, तो मुझे ये बहुत ही सस्ता पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम इसकी सील काटते हैं। इंफॉर्मेशन टेम्पलेट, ये पावर केबल और ये HDMI पोर्ट केबल और ये पावर पोर्ट और ये ओरिजिनल पैकिंग में ही है। ये इसकी मैनुअल, स्टैंड, ये स्टैंड का बेस, एकदम क्लीन MSI का लोगो है यहाँ पर। और ये इसकी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, इसमें दो HDMI पोर्ट और एक हेडफोन पोर्ट, 3.5mm जैक और एक डिस्प्ले केबल पोर्ट। स्टैंड कसने के लिए है स्पेस, तो इसको कसते हैं, तो वापस यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका बेस है स्टैंड का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। तरीके से ये लगता है स्टैंड हो गया हमारा तैयार। इसको डिस्प्ले पर कस लेते हैं। चार स्क्रू हैं कसने के लिए, ये टाइट हो चुका है। ये लगने के बाद ऐसा दिखेगा मेरी गेमिंग टेबल पर। ठीक है, अब इसको हम अपनी मेरी गेमिंग टेबल पर लेकर जाएंगे। ये मेरा पुराना मॉनिटर है जो कि डेल 60Hz है, इसकी जगह पर हम हमारा नया मॉनिटर लगाएंगे। ये मैंने इसको शुरू कर दिया है, तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अब हम इसमें नए MSI गेमिंग मॉनिटर में गेम खेल करके देखेंगे क्या एक्सपीरियंस मिलता है। ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है, तो फ्लिक नहीं कर रहा है।
आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले। मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मॉनिटर है, इसमें एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस आपको गेमिंग के लिए मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।